हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम प्री नर्सरी के बच्चों को लाइंस लगाना सिखाएंगे। ये लाइंस हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट में ही यूजफुल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी लाइन है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन तो स्टार्टिंग में बच्चे को सिखाने के लिए हम उसको इस तरह से ट्रेस करके दे सकते हैं। जिससे कि बच्चे का हाथ मूव करने लग जाए, क्योंकि छोटे बच्चे को लिखना कम आता है। तो इस तरह से बच्चा इसके ऊपर लाइन लगा सकता है, उसका हाथ धीरे धीरे मूव करने लग जाएगा। जब बच्चे को ट्रेस के ऊपर लाइन लगाना आ जाए तो हम उसे डॉट लगाकर सिखा सकते हैं। इस तरह से डॉट लगाकर दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाए और उसका बैलेंस भी बैठ जाएगा इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाने से। तो फर्स्ट हमने स्टैंडिंग लाइन सिखाई। सेकंड है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन तो उसी तरह से इस पे भी हम बच्चे को ट्रेस करके दे सकते हैं स्टार्टिंग में। इस तरह से बच्चा उसके ऊपर लाइन लगा सकता है, फिर उसी पैटर्न से उसे डॉट लगा के दे सकते हैं इस तरह से। तो थर्ड है हमारी स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन टू टाइप की होती है, राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। तो फर्स्ट है हमारी राइट स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, उसी पैटर्न से ट्रेस और डॉट लगा के दे सकते हैं। इससे बच्चे का हाथ धीरे धीरे मूव करने लग जाएगा। फोर है हमारी लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ट्रेस और डॉट। अब है राइट कर्व। राइट कर्व इससे बच्चे को हाफ सर्कल बनाना आ जाएगा। फिर हम इसे बच्चे को ट्रेस करके दे सकते हैं पेंसिल से। तो ट्रेस के ऊपर बच्चा इस तरह से हाथ चला लेगा, फिर उसे सिर्फ हम डॉट लगा के देंगे। इससे उसे इंग्लिश का अल्फाबेट सी बनाना आ जाएगा बड़ा इजीली, क्योंकि उसे कर्व बनाना आता है। ये था हमारा राइट कर्व। लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व इस तरह से हम उसे ट्रेस करके देंगे।
तो बच्चा इसके ऊपर हाथ चलाना सीख जाएगा, उसे कर्व बनाना आ जाएगा। जब उसे ट्रेस के ऊपर बनाना आ जाएगा तो उसे फिर हम डॉट लगा के देंगे, जिस तरह से हमने राइट कर्व पे लगा के दिया था। तो ये हमारा लेफ्ट कर्व। अब हमारा अप कर्व। जिसमें हम यू लेटर लिखते हैं तो बच्चे को यू लिखना इजी आ जाएगा। अब हम उसे ट्रेस करके देंगे इस तरह से, हल्का हल्का डॉट से, हल्का हल्का। जब उसे इस तरह से बनाना होगा बच्चे को अप कर्व। अप कर्व फिर हम बच्चे को ओनली डॉट लगा के देंगे। और बच्चे को यूं लिखवाएंगे क्योंकि उसने ऊपर ट्रेस के ऊपर हाथ चलाना सीख लिया है। डाउन कर्व तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। डाउन कर्व हम इसे ट्रेस करके देंगे। तो बच्चे ने पेंसिल से लिखना है तो हम बच्चे से पेंसिल से ऊपर से यूं लिखवा सकते हैं। क्योंकि बच्चा गलत भी कर लेता है तो उसे हम रब कर सकते हैं इरेजर से। अब बच्चे ने यूं हाथ चलाना सीख लिया तो वो पेंसिल से बना सकता है। अगर वो गलत कर लेता है तो हम इसे इरेज कर सकते हैं और दोबारा इसे बना सकते हैं इसी वर्कशीट पर। अब है सर्कल। इसमें बच्चा एक ही जगह पर हाथ रखकर उसे घुमाना सीख जाएगा। इसे हम हिंदी में ओ लेटर बोलते हैं। इसे ट्रेस करके देंगे हम इस तरह से, हल्का हल्का डॉट लगा के। यहां मैंने स्केच पेन से लगा के दिए क्योंकि यहां पेंसिल से साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए आप पेंसिल से डॉट लगा के दे सकते हैं। यहां पर हमें बच्चे को उसी जगह पर हाथ रख के गोल गोल घुमाना है। तो आप इस तरह से लाइन सिखाकर बच्चे को पढ़ा सकते हैं और स्टडी करवा सकते हैं। ये बच्चे के लिए लाइंस बच्चे के लिए यूजफुल होंगी और बच्चा इससे एक्टिव और एडवांस हो जाएगा, ताकि जब वो स्कूल जाएगा तो उसे अच्छी तरह से स्टडी में इंटरेस्ट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।